कहते हैं ना, वक्त है तो सुधरने का, तो भाई साहब सुधर जाओ, अगर वक्त निकल जाएगा तो पछताओगे। ऐसे ही कुछ हमारे जो ओला उबेर के जो ड्राइवर भाई है भाई, उनके साथ में ये चीज़ें हो रही है, और वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप लोगों को बताने वाला हूँ। और गाइस मौसम एकदम भाई अभी भी बारिश का तगड़ा वाला मौसम चालू है, बारिश लगातार पिछले 3-4 दिन से मुंबई के अंदर हो रहा है। भाई आज भी मैं काम पर निकला हूँ, तो जो भाई बुकिंग मिले, सेफ राइड वाली बुकिंग जो मुझे मिले, वही बुकिंग मैं लेता हूँ। आप लोग भी संभल के गाड़ी चलाना, काफ़ी जगह पर वापस आज भी पानी भरा हुआ है। तो जो भी हमारे जो ड्राइवर भाई है, सेफ काम करना, दिमाग से काम करना, स्मार्ट रूप से काम करना, ठीक है गाइस। तो गाइस आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो हमारे जो नए भाई है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं ना भाई, गलतियां कर रहे हैं, और भाई ओला डायरेक्टली आपको वार्निंग नहीं, डायरेक्टली आपको अभी जो आपके आईडी ऑफ रोड कर रहे हैं, तो भाई क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है, और ऐसी गलती अगर आप भी करोगे तो गाइस आने वाले समय में आपका भी आईडी ओला ऑफ रोड कर देगा। भाई जिस भरोसे के ऊपर, जिस ऐप कंपनी के भरोसे पे आपने 8-8, 10-10 लाख की गाड़ी ली है, तो समझो कि वही ऐप अगर बंद होगा तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो आप कोई कंपनी के साथ में क्लेम नहीं कर सकते भाई, वो कंपनी तो एक ऐप कंपनी, उसका अगर पॉलिसी आप तोड़ते हो तो भाई 100% आपकी आईडी बंद करेगा, कुछ नहीं कर सकते हो। तो भाई आगे जाके पछताने से अच्छा है अभी सुधर जाओ। तो इसके लिए आज का मैं वीडियो बना रहा हूँ। भाई मेरे एक भाई का काफ़ी रात, कल रात को उनसे मेरे भाई से मैसेज पर बात हो रहा था, तो काफ़ी मुझे दुख हुआ कि भाई किस तरीके से भाई ने अभी 4 महीने पहले आईडी ली, और किसी के बोलने से या किसी के सुनने से भाई अगर आप भी ये गलती करोगे तो कोई नहीं आएगा, जब आपकी आईडी बंद होती है ना तो कोई पूछने नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या टॉपिक है और इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ, वीडियो आपको भी देखना है, स्किप नहीं करना है, आपको भी समझना है, क्योंकि भाई ओला मेरा नहीं है, ओला आपका नहीं, ओला किसी का नहीं, ओला एक खुद एक ऐप कंपनी, भाई जब जिनको दिल करेगा अगर आप गलत करो तो आपको ऐप जो ओला कंपनी, ओला का जो ऐप है वो डायरेक्टली आपको ऑफरिंग करेगा, तो ऐसी गलती ना करें। इसके लिए मैं कहीं वीडियो बनाऊँ, वीडियो इंटरेस्टिंग, वीडियो को अभी से लाइक करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लास्ट तक देखना। जितने हमने ओला उबेर में जो भाई काम करते हैं, आपके जो दोस्त हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं जो ओला उबेर में काम करते हैं, तो उन तक ये वीडियो शेयर करें ताकि उन तक ये मैसेज पहुँच जाए। तो चलो ज़्यादा देर बात नहीं करेंगे, करेंगे आज की वीडियो को शुरू। तो गाइस आज का जो वीडियो बना रहा हूँ गाइस, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है, क्योंकि कई सारे जो भाई ना आज की तारीख में ओला उबेर में काम तो कर रहे हैं, बट भाई काम करते समय ये चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे कि भाई हम जो काम कर रहे हैं ना, उस काम को, मतलब जिस गाड़ी को मैंने जिसके भरोसे पे लिया, वो ऐप है ओला उबेर, ठीक है। मतलब काफ़ी सारे जो भाई है जिनको नहीं पता बाहर के पर्सनल कॉन्टैक्ट, पर्सनल बुकिंग कहाँ से मिलती है, तो उन्होंने ओला उबेर के भरोसे पे उन्होंने जो गाड़ी लिया, और आप वही गलतियां कर रहे हो, जो कंपनी आपको बुकिंग देती है उनके साथ में आप खिलवाड़ करोगे तो भाई आपकी आईडी कंप्लीटली बंद हो जाएगी। और एक बार अगर आपकी आईडी ओला और इसमें से बंद होती है भाई, बहुत दिक्कत लगता है चालू करने के लिए, किसी किसी की लक भाई हो जाती है, बाकी तो अदरवाइज होता नहीं। फिर बाकी कई सारे जो जुगाड़ करके लोग अपना नया आईडी बनाते, बट भाई उतना करने से अच्छा आप पहले सुधर जाओ, सुधरने का मौका है, सुधर जाओ, क्योंकि अभी ओला सबको एक वार्निंग मैसेज दे रहा है। यहाँ पे मैं पढ़ के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आएगा, और आप लोगों को भी ये मैसेज आया है। कई सारे जो ऐसे भाई है, बस ओला और उबेर का ऐप सिर्फ ड्यूटी ऑन करने के लिए करते हैं, बट उसमें डेली के जो अपडेट्स आते हैं, डेली का जो ओला उबेर का जो मैसेज आता है, आप लोग उसको रीड नहीं करते, तो उसी कारण भाई आप लोग ये जो अपनी खुद की आईडी है ये बंद करवा, मतलब जो बोलते हैं ना बंद करवाने में, उसमें सबसे बड़ा हाथ तो आप ही का है। तो इसके लिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। भाई ओला की तरफ से सबको एक वार्निंग मैसेज है, मैं पूरा रीड करता हूँ। तो गाइज ये रहा ओला ने, जो हम सभी लोगों को, जितने भी ओला ड्राइवर में ड्राइवर है जो ओला ऐप में काम कर रहे हैं भाई, उन सभी को ये मैसेज भेजा। आप पूरी तरीके से यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने डाला है, आप स्टॉप करके उसका स्क्रीनशॉट लेके, आपको भी मैसेज आया होगा, तो मैसेज को गाइज पूरी तरीके से पढ़ी, अच्छे से समझी, और लास्ट में एक नीचे उन्होंने एक वार्निंग दिया गया, कृपया ध्यान दे करके आपके एक्सेप्ट ट्रेड का हमारे द्वारा लगातार मूल्यांकन किया जाएगा, कम एक्सेप्टेड के चेतावनी देगा, और अगर कोई सुधार नहीं होता तो इसका परिणाम प्लेटफॉर्म से ऑफरोडिंग हो सकता है। तो जैसे कि गाइस ये मैसेज मैंने जैसे रीड करके आप लोगों को बताया, तो भाई ये मैसेज सबको गया, ठीक है, बट इसमें कोई देखता नहीं है कि भाई हमें ओला ने क्या मैसेज दिया, उबेर ने क्या मैसेज दिया। कई सारे जो भाई देखा देखी मैं भाई बुकिंग पास पे पास करें, ओला भाई आपको एक बार वार्निंग दे रहा है, दूसरी बार वार्निंग दे रहा है, तीसरी बार वार्निंग दे रहा है, भाई चौथी टाइम अगर आपकी गलती निकले तो भाई आपकी जो आईडी कम्प्लीटली और परमानेंटली आपकी आईडी भाई ओला जो ऑफरोड कर रहा है, तो भाई इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। एक ही जो है, अगर आप जाके रिक्वेस्ट करोगे
ओला कस्टमर केयर में, तब होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, उसकी गारंटी कोई नहीं लेता है। अगर एक बार ऑफ रोडिंग कर दिया ओला ने तो भाई बहुत दिक्कत होता है उसको चालू करने के लिए। अब गलतियां मेरे भाई क्या कर रहे जो ओला बेर में काम करे भाई, आपको जब बुकिंग ऐप जो दिया है आपको उसके अंदर पूरा दिखता है कि भाई हमें पिकअप कहाँ से ड्रॉप कहाँ से, ठीक है। तो कई सारे जो ऐसे भाई है ना भाई बुकिंग पास पे पास करते जा रहे, ओला मैसेज, अभी ओला इतना स्ट्रिक्ट हो गया ना कि आपको हर दो तीन बुकिंग कैंसिल करेगा या पास करेगा तो आपको नोटिफिकेशन आता है। तो भाई उस समय पे आपको उसके बाद वाला बुकिंग लेना ही लेना है, या अगर आप बुकिंग नहीं लेना चाहते आपको काम नहीं कर रहे तो भाई ऐप को बंद कर दो, क्योंकि भाई जितना आप सोचते हो वैसा अभी ओला पहले जैसा नहीं है, ओला काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया भाई। ओला को अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ओला उबेर में काफ़ी सारी गाड़ियां है भाई, आपकी एक आईडी बंद करने से ओला को कुछ नहीं फर्क पड़ता, बट आपकी आईडी बंद होने से आपको काफ़ी सारा फर्क पड़ता है, क्योंकि उसी भरोसे के ऊपर, उसी ऐप के भरोसे पे आपने 8-8 लाख की 10-10 लाख की गाड़ी ली है, ठीक है। तो कुछ ऐसी ही गलती हमारे एक जो भाई है जो रहते हैं पनवेल में भाई, उनके साथ में वही चीज़ हुआ है। लगभग छः महीने पहले उन्होंने गाड़ी ली अभी, और भाई सब 6 महीने से ओला में काम कर रहे हैं, और हर बार मैं बोलता हूँ कि भाई अगर आपको काम नहीं करना तो बुकिंग को ऑफरोड करो, मतलब तो जब भी हम कोई भी बुकिंग जब ड्रॉप करते हैं ना तो उस डिस्टेंस पे बुकिंग आना चालू होता है, तो भाई वहाँ पे आपको ओला उबेर ने ऑप्शन दिया है, अगर आपको आगे जाके मतलब नेक्स्ट बुकिंग आपको नहीं लेना है, आपको काम नहीं करना, तो भाई उबेर के नीचे से, उबेर के ऐप में नीचे से स्क्रॉल करो, स्विच ऑन ऑफ का ऑप्शन होता है, उसको ऑफ कर दो। ओला के अंदर भाई जब आप बुकिंग को ड्रॉप करते हो, जब आपको कोई ओला से कंटिन्यू बुकिंग में बुकिंग आ रहे तो भाई ऊपर से ओला को स्क्रॉल करो, ऊपर ही आपको पहले ऑप्शन आता है ड्यूटी ऑफ करके, तो भाई उसको ऑफ कर दो। जो आपकी बुकिंग के राइड है वो तो कंटिन्यू चालू रहेगी, जो भी आपका अमाउंट आपको दिखेगा, बट बुकिंग कंटिन्यू बज रहा आप उसको पास पे पास कर रहे हो, तो ये सोचो कि आपके आईडी पे आपका कितना इफेक्ट कर रहा है। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस ओला के अंदर है, उबेर के अंदर, इसको यूज़ करो। आपको काम नहीं करना है तो भाई ओला के ऐप को बंद करो, क्योंकि आपने उसी ऐप के भरोसे पे आपने गाड़ी ली है, उसी ऐप के भरोसे पे आपको 4 साल का EMI भरना है, उसी ऐप के भरोसे पे आपको घर है उसको चलाना है, तो ऐसी गलतियाँ क्यों कर रहे हो। कल जो मेरे से भाई से बात हो रही थी, पिछले 3-4 दिन से परेशान है, ओला कस्टमर केयर में बात करके वो परेशान है, बट ओला की आईडी चालू होना भी मुश्किल है। सोचो 6 महीने पहले भाई ने गाड़ी ली और अभी ये उनको दिक्कत आ रहा है। तो जो हमारा एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ में शेयर करो, पिछले तीन सालों से ओला उबेर में मैं काम कर रहा हूँ, आज तक मैंने मेरी आईडी कभी बंद नहीं हुई। एक बार मेरी आईडी बंद हुई थी उबेर में, वो भी एक फेक बुकिंग की वजह से मेरी आईडी बंद हुई थी, बट हम लोग जैसे ही कस्टमर केयर में गए 1 घंटे के अंदर वहाँ पर मेरी आईडी चालू। अगर आप सही हो, अगर आप गलत नहीं हो तो उबेर भी, ओला उबेर भी आपकी आईडी चालू करते, बट आप कहीं ना कहीं बुकिंग कैंसिल करके लेके जाते हो, बुकिंग कैंसिल पे कैंसिल करते हो, बुकिंग उठाते नहीं हो, तो भाई पूरा डेटा ओला के पास में आ जाते हैं कि मोबाइल पे ओला ऐप में आपको एक वार्निंग दिया गया कि भाई अगर आप अपने जो एक्सेप्ट रेट को अगर आप नहीं सुधारोगे तो भाई आने वाले समय में आपकी जो आईडी है कंप्लीटली ऑफ रो कर दी जाएगी। और ओला अभी वो काम करना चालू किया, क्योंकि भाई ओला में उबेर में बिजनेस डाउन है, तो ओला यही चाह रहा है कि भाई जितने कम हो उतने लोगों की मैं गाड़ियाँ ऑफर करूँ, आगे फ्यूचर में करे नहीं करे पता नहीं, बट वो कहीं ना कहीं ओला ड्राइवर लोग को सबक दे रहा है कि भाई हम आपके अगर आईडी बंद करते हो तो शायद कहीं ना कहीं आप लोगों में डर रहेगा, ठीक है। अब वो चालू होगा नहीं होगा पार्ट टू, बट जब अगर एक तो पहले हमारे पास बुकिंग है नहीं और ऐप हमारा कोई काम नहीं कर रहा है, बुकिंग नहीं आ रही, तो भाई कहीं ना कहीं तो हम भी तो सदमे में जाएंगे। तो सब काम मत करो, आपको नहीं काम करना है तो भाई ऐप को बंद कर दो, किसी की बातों में, किसी की देखा देखी में आप खुद की गलती करोगे भाई, मतलब आप बोलते हैं वो भी ऐप है, कभी ना कभी तो वो भी जो आपको गलती कराना सीखा रहा है वो भी पकड़ में आएगा, और आप गलती कर रहे हो तो आप भी पकड़ में आओगे, ठीक है। ओला ने स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया है, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है, जो भी ओला के अंदर जो मैसेज आते हैं उस सब मैसेज को मैं रीड करता हूँ, क्योंकि ओला के अंदर जो भी अपडेट्स आते हैं तो ओला अपने ऐप में देते हैं। तो कई सारे जो भाई है बस सुबह उठ के ड्यूटी को ऑन किया, ड्यूटी को ऑफ किया, अदरवाइज उसके अंदर ओला हमें क्या दे रहा है, कितना इंसेंटिव दे रहा है, कितने बुकिंग्स दे रहा है, क्या अपडेट दे रहा है, हम लोग कोई नहीं दिखते, बट कहीं ना कहीं भाई उस चीज़ को मैं पहले से फॉलो करता हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे पास जो ऐसा बंदा है जो भाई मुझे अच्छी तरीके से गाइड करता है, ठीक है। तो भाई वही जो एक्सपीरियंस है, वही जो बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग भी उससे संभल जावे और अपनी गलतियाँ ना करें। इसके लिए मेरा हर बार वीडियो में कहने का एक ही मकसद होता है, आपने जिस भरोसे पे भाई काम करने का चालू किया, जिसके भरोसे पे आप काम करो, तो उस काम के साथ में आप एकदम अच्छे से काम करो, क्योंकि भाई ऐप कंपनी आईडी बंद तो खेल खत्म, ठीक है। तो इसके लिए आज का मैंने वीडियो बनाया, संभल जाओ, सुधर जाओ, अभी सुधरोगे तो फायदा है, नहीं सुधरोगे तो गाइस आगे जाके पछताओगे, कुछ अर्निंग नहीं होगा, गाड़ी घर पे खड़ी रहेगी, फिर रोना धोना वही चालू होगा, ठीक है। तो जो ओला की तरफ से मैसेज है कि भाई अगर गलती करोगे तो आपकी गाड़ी ऑफ रोड होगी, तो इसके लिए गाइस मैंने आज का ये मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि ओला ने सबको मैसेजेस दिया, तो मैसेज को पढ़ो और अपने आप में सुधार लाओ, और अपने आईडी को हो सके उतना बचाओ, काम करना है उस वक्त चालू करो, काम नहीं करना है तो आईडी को बंद कर दो।
ठीक है। तो एक छोटा सा अपडेट था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और गाइस गलती मत करना, गलती करने का ओला माफ नहीं करते, ये स्पेशली मेरा आप लोगों को बोलना है, ओला उबेर माफ नहीं करते। तो ऐसी गलती मत करना और अपने काम पे जो एक्सेप्टेड है उसको ज्यादा से ज्यादा गाइस उसको बढ़ाना, ठीक है। तो कमेंट करके बताना आप लोगों को ये आज का अपडेट कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके आना। तो मिलते हैं जल्दी से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।